नमस्कार, डायरी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हरिनंद, जो घनाटी पंचायत से पूर्व में प्रधान रहे हैं और अब जो है बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं हरिनंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को जो अपने एक राजनीतिक परिचय दें कि आज तक आप किन पदों के ऊपर रहते हो, अपने कार्य किया और क्या क्या काम, अपना परिचय दीजिए छोटा सा। जी, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और जब मैं प्रधान बना था तो मेरा राजनीतिक करियर कुछ भी नहीं था। मैं एक कारपेंटर का काम करता था। लोग मेरे को उसी इरादे से, गांव वाले और आस पड़ोस वाले, जहां भी मैं काम करता था, दो चार लड़के होते थे मेरे पास, तो उसी से मेरी जो पहचान थी। तो होते आते फिर हमारी पंचायत 2006 में रिजर्व आ गई। तो रिजर्व के लिए लोगों ने, सब ने, गाँव वाले ने कहा, इस पंचायत ने कहा कि आप थोड़े एक्टिव भी हो, आप की थोड़ी जान पहचान भी है, तो इसलिए आपको हम प्रधान के लिए खड़ा करते हैं। जबकि मेरा कोई राजनीतिक और उससे रिलेटेड मेरा किसी उसमें कोई हो नहीं था। तो 2006 में लोगों ने मेरा साथ दिया, सहयोग दिया और मैं प्रधान चुन गया। तो हरिनंद जी, जब प्रधान पद पे रहते हो, आपने इस घनाटी पंचायत के लिए प्रमुख कार्य कौन कौन से किए? हमारी पंचायत में सबसे पहली समस्या थी जी, जब मैं पंचायत में आया तो जब पंचायत में बैठा तो मैं किसी एक, हमारे लोछोकधाट गांव है, वहां पे मेरा एक सड़क का कार्य चला था। 2007 की बात है। तो 2007 में मेरे को तहसीलदार जी की कॉल आती है घनाटी से, कहते आपका पटवार खाने में एक स्टोर है, कोई पुराना डॉक्यूमेंट होंगे, कोई अलमारी होगी, कुछ सामान होगा, तो कहते आप इस चीज़ को यहाँ से उठाओ। तो मैंने कहा कि, कहते हैं हमारे पंचायत में सिर्फ पंचायत घर ही था बैठने लायक, हमारे पास मतलब पंचायत का ही वो था, जो पंचायत का हॉल बना था उसमें हमारे पास मतलब पूरा कंप्लीट नहीं था। तो मैंने तहसीलदार साहब से कहा कि सर थोड़ा सा मुझे टाइम दो और मैं ये सामान उठवा लूँगा, मैं हमारे पास अभी स्टोर नहीं है। तो सबसे पहला काम हमने ये किया जी, पंचायत में हमारे पास, मतलब जब मैं बना था, जब मैं पंचायत में बैठा था, तो हमारे पंचायत घर के अलावा हमारे पास ना तो स्टोर था। तो आज की डेट में मतलब 2006 के बाद जो मैंने सबसे पहला कार्य किया, तो हमने सबसे पहले यहाँ, हमारी एक समस्या थी टॉयलेट की, जो पिछले 30-35 सालों से बहुत ज़्यादा समस्या थी। घनाटी एक हमारा जो है मतलब कोई 20 पंचायतों का एक केंद्र है, तो यहाँ बेचारी जो हमारी माताएं बहनें आती थी तो उनको बड़ी समस्या होती। तो सबसे पहला कार्य किया जी हमने, टॉयलेट बनाया। टॉयलेट के साथ साथ हमने 5-6 दुकानें भी बनाई है। तो साथ में हमारे को जब भी एक सिटी की पंचायत है, तो सिटी की पंचायत होने के बावजूद हमारे पास एक स्टेज की बहुत बड़ी कमी होती थी, क्योंकि यहाँ सिटी की पंचायत होने से आए दिन जो है हमारे यहाँ कुछ ना कुछ प्रोग्राम चले रहते हैं। तो उसके बावजूद हमने स्टेज भी बनाया, हर चीज़ बनाई। आज पंचायत में हमारे पास 7-8 दुकानें हैं जी, युवक मंडल के लिए बनाया है, महिला मंडल के लिए बनाया है। तो मतलब आज हमारे एक चेक पोस्ट था, चेक पोस्ट का पहला उनका प्राइवेट में कहीं था, तो बीच में उस टाइम ये लगा भी वहाँ से चेक पोस्ट उठ गया। यहाँ ऐसा होता था जो लॉन्ग रूट की बसें आती थी वो रुकती नहीं थी, लोगों को बड़ी समस्या होती थी उस टाइम की बात है। तो फिर हमने एक चेक पोस्ट भी बनाया जी, पोस्ट ऑफिस के लिए पंचायत ने दिया है जी। तो मेरा बोलने का मतलब ये भी, जब हम पंचायत में आए तो मतलब आज हमारे पास स्टोर के अलावा हमारे पास इनकम का काफ़ी अच्छा सोर्स है जी। तो ऐसा कौन सा काम है जो आप समझते हैं कि प्रधान रहते हुए भी आप किन्हीं कारणवश या किसी मजबूरी से नहीं कर पाए और जो बड़ा दिल के करीब आपका काम था और चाहते थे कि इसका पंचायत के लिए होना चाहिए? कार्य करने से अब पंचायत में ऐसा होता है जी, जो काम करना चाहता है तो कुछ के बीच में शर्ती तत्व भी होते हैं, वो लोग ऐसा होते हैं ना, डेवलपमेंट खुद करना चाहते हैं ना दूसरों को करना चाहते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा था जी, हमारे गांव में जितना भी आपका मैंने रोड बनाया जी, डफौक से भथियाड़ के लिए रोड बनाया, लछोक से धाट के लिए रोड बनाया, यहाँ हमारे घनाटी से कोलू पिपल के लिए रोड बनाया, मेरी ये उस टाइम ये प्रायोरिटी थी भाई इन रोडों को मैं पीडब्ल्यूडी के हैंड ओवर कराऊँ।
आज जब हमारे बरसात होती है तो हमारे जितने भी गांव के लोग हैं सब मतलब एक गरीब लोग हैं। उनका जो है मतलब ज़्यादातर बिजनेस जो है एक कृषि का बिजनेस है। तो आए दिन जैसे मान लो बरसात होती है तो वो जो रोड है रोड को मतलब खुद अपने पैसे से क्लियर करना पड़ता है। पंचायत भी एक बार करेगी या दो बार करेगी, पीडब्ल्यूडी को बोलते हैं तो वो बोलते हैं ये रोड हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम इसमें अपनी मशीन नहीं भेजेंगे। तो मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी जो उस टाइम काम छूट गया है, आज लोगों का अगर आशीर्वाद मुझे मिला तो मेरी दोनों पंचायत में ये प्रायोरिटी रहेगी। तो जो हमारे जितने भी लिंक्स रोड है इनको हम पीडब्ल्यूडी के हैंड ओवर करवाने के लिए लोगों का सहयोग भी लेंगे और खुद भी जितना हो सके भाग दौड़ करेंगे और पीडब्ल्यूडी के हैंड ओवर करवाएंगे और पक्का करवाने की 5 साल में कोशिश करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि प्रधान पद पे रहते हुए जो है आप गांव की सड़कों को पीडब्ल्यूडी के अंडर करवाना चाहते हाँ थे। जी, वो थोड़ा काम छूट गया था जी। तो अब प्रायोरिटी में अगर हम वार्ड नंबर 11 हमारा यहाँ का गनाटी और गलोट का है जी, अगर लोग मौका देंगे आशीर्वाद देंगे तो हम प्रायोरिटी के सबसे पहले इस काम को जो है करवाएंगे। बीडीसी चुनाव में उतरने का आपका मन बना, लेकिन मन बनने का आपका मुख्य मतलब उद्देश्य क्या है? बीडीसी बन के आपका किन कार्यों को आप पहले प्रायोरिटी पे करना चाहते हैं? मेरा प्रायोरिटी पे काम यही रहेगा जी। जो एक कार्य हो जो हमारा रोड का कार्य हो है, जहाँ भी मैं घूमा हूँ वर पर जाता हूँ, मैं एक गांव का निवासी हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, हमारे को पता है भी जो कच्चे रोड है लिंक्स रोड है इनमें आए बरसात में या कभी भी जो हर टाइम इसमें समस्या होती है। दूसरा भगवान ना करे कोई ऐसा कोई हादसा हो जाए तो रोड पास ना हो तो उसमें अगर आपके पास सब कुछ है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो मेरा प्रायोरिटी का जो काम रहेगा इन रोडों के लिए ज़्यादा फोकस रहेगा जी। उसके अलावा ये कि जब गराटी पंचायत के प्रधान रहे हैं आप, जी तो आपने सर, राजनीति को बड़ी पास से देखा है, जी सर, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मतलब राजनीतिक दलों ने मतलब आपका कितना सहयोग किया? दोनों ही दलों में आपने ढाई ढाई साल जो है कांग्रेस बीजेपी दोनों ही सरकारें देखी प्रधान रहते हुए, जी सर। तो आपको क्या लगता है कि किसने ज्यादा कार्य करवाए हैं, किसने कम कार्य में, कुछ सहयोग में किसी की कमी रही हो? देखो जी 2006 की बात है तो 2006 में जब मैं चुन के आया जी उस टाइम हमारे कांग्रेस की सरकार थी। तो यहाँ पे हमारे जो गुवाहाटी में है यहाँ पे एक मेला होता है, इकलौता मेला होता है हमारे यहाँ, कुश्ती का एक दंगल होता है। तो उस दंगल में हमारे यहाँ एक स्पोर्ट्स कल्चर वेलफेयर एसोसिएशन है जो मतलब काफ़ी एक्टिव है इस गुवाहाटी में। तो उस माध्यम से उस मेले में हमारे जो मुख्य अतिथि होते हैं या सीएम साहब होते हैं या कोई मंत्री होते हैं तो कोई ना कोई हमारा जो है मुख्य अतिथि एक बड़े लेवल से आता है तो हम उसमें डिमांड रखते हैं। तो मैंने अनुभव यही पाया है जी, जब पहली बार मैं प्रधान बना था तो मुझे इतना अनुभव भी नहीं था, लोगों में बातचीत करने का अनुभव भी नहीं था, स्टेज पे जाने का अनुभव भी नहीं था। तो उस टाइम राजा जी आए थे तो राजा साहब से हमने काफ़ी बहुत ज़्यादा डिमांडें रख दी थी, मतलब इतनी डिमांडें रख दी। तो उस मेले में राजा साहब ने एक ही दिन में मुझे पंचायत को जो है 25 लाख रुपया, ये जो काम हुए आपके टॉयलेट बना, IRDP शॉप्स बनी, उसके टॉयलेट के ऊपर शॉप्स बनी, रोड के काम हुए, तो मतलब एक ही मेले में जो है उन्होंने मुझे 25 लाख रुपया वो सेंक्शन करके दे गए। लास्ट में फिर भी मतलब जो उनका एक स्वभाव है लास्ट में भी पूछते हैं भाई प्रधान जी और कोई कमी तो नहीं रही है। तो मतलब मुझे तो ये लगा है जी जो राजा साहब ने, उसके बाद बीजेपी आई तो बीजेपी में भी यहाँ पे आए जी हमारे मंत्री जी भी आए थे। तो सबसे ज़्यादा समस्या आई रही अनाउंसमेंट हुई उसके लिए, जब हमारे को भाग दौड़ करनी पड़ी मिला, पर जितना हमें कांग्रेस के टाइम में मुझे मिला है मैं तो उनका धन्यवादी हूँ जो एक छोटा सा तुच्छ सा एक गाँव का व्यक्ति हूँ। तो आज उनका आशीर्वाद है जी जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने पैसा दिया है तो मैं तो ये मानता हूँ जी कि भी कांग्रेस के टाइम में ज़्यादा विकास हुआ। अभी आप बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं जी तो डायरी टाइम्स के माध्यम से आप जो है घनाटी की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अच्छा जी घनाटी ग्लोट जो आपका वार्ड है हाँ इसकी जी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि आप पंचायत लड़ रहे हैं, जनता आपका सहयोग किस लिए करे, हाँ आपकी जी। क्या अपील रहेगी जनता से? मेरी तो यही अपील है जी, देखो मैंने काम किया है और 2006 से मेरे ख्याल 2008 तक मुझे मौका मिला है। तो बीच में कुछ शरारती तत्वों ने कुछ मेरे
मेरे ऊपर ऐसे लांछन लगा दिए कि उसके बाद जो है जितनी भी यहाँ की डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं हो पाई और कार्य रुक गए। तो अब मैं जनता से ये अपील करूँगा कि भी एक बार मुझे मौका देंगे तो जो भी कार्य होंगे इस पंचायत के या लोगों की जो भी समस्या होगी किसी भी उससे मैं तत्पर तैयार रहूँगा जी। तो ये थे श्री हरिनंद जी जो अभी BDC का चुनाव लड़ रहे हैं। अधिक जो जानकारी के लिए, चुनावों से संबंधित जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। डायरी टाइम्स में नीचे वीडियो में देंगे डिस्क्रिप्शन और लिंक को, और हमें लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डायरी टाइम्स से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।